हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। मैं बताने जा रही हूँ आपको सलवार की कटिंग बेहद सरल बेहद आसान तरीके से। एक एक पॉइंट समझिए, शुरू से आखिर तक वीडियो देखिए। तो मैं बता दूँ आपको कि सलवार जो है हमारी 2.25 मीटर, 2.5 मीटर, 2 मीटर में बनती है। अच्छे घेर वाली सलवार बनती है। तो मैं ये 1 मीटर कपड़े में बता रही हूँ क्योंकि पूरे 2.25 मीटर कपड़ा टेबल पर बराबर कटिंग करने में नहीं दिखता, समझ में भी नहीं आते, इसलिए मैं आपको छोटे पीस से बता रही हूँ कि कटिंग किस तरीके से करना है, जिसमें आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। और देखिए मैं बताऊँ कि जैसा हमारा ये कपड़ा है, तो सलवार की कटिंग जब भी हम करते हैं, देखिए इस तरीके से रखते हैं। जो हमारा जो बंद वाला, जैसे ये वाले साइड है, ये हमारी, ये देखिए इस तरीके से, ये खुली वाली साइड ऐसी रखना है। इस तरीके से कपड़ा लेना है सलवार का और इस तरीके से बिछा लेना। देखिए ये इस तरीके से बिछाना है, तो जो हमारा पन्हा वाला भाग रहता है इस तरीके से आ जाता है, और लंबाई वाला भाग जो है इधर को रखना है। तो सबसे पहले इस तरह बिछाने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसा बिछा लें और फिर सलवार को, और यहाँ से यहाँ का भाग छोड़ते हुए देखें इस तरीके से घड़ी करें। अब ये जब वाला भाग हमारा, ये मोहरी वाला भाग, तो मैं आपको बता दूँ कि मोहरी आपको कितनी निकालनी है। जैसे फुल साइज की सलवार आप बना रही हैं, चाहे सलवार का हो या पटियाला का, कोई सी भी सलवार बनाएं, तो जो हम ये वाला भाग निकालते हैं, मोरी वाला भाग, इसको हम कितना निकालते हैं, 6 इंच का। तो ये छोटे पीस में मेरे नपती पे मत जाएं आप, मैं सिर्फ कटिंग बता रही हूँ। ये वाला भाग आप 6 इंच का निकालें, और जो आपकी लंबाई है, जैसे हमारी लंबाई कितनी है, 36 है 38 है, जो भी है, तो ये 36 इंच पे से लंबाई का कपड़ा लें यहाँ से लेकर के। और यहाँ पे बता दूँ कि 6 इंच का जो हमारा बेल्ट रहता है, तो ये बेल्ट वाला भाग में आप इस तरीके से 6 इंच पर टेप लगाएं ऊपर छोड़ते हुए, और जो आपकी ये लंबाई हो यहाँ से इतनी लंबाई करते हुए आप कटिंग कर दें। तो जैसे मैं आप कटिंग करके बता रही हूँ, इससे ये 6 इंच पे ये छोड़ के और प्लस हमारी ये लंबाई पे निशान लगा दें। तो इस तरीके से देखिए, अब मैं यहाँ पे छोड़ते हुए 6 इंच और यहाँ पे निशान लगा देती हूँ ये। तो जो आपका जो 2.25 मीटर कपड़ा रहेगा वो इधर बच जाता है, बहुत सारा कपड़ा हमारा बचा हुआ रहता है, बाकी ये वाला कपड़ा हमारे लंबाई पे निकल आता है। तो जैसे हम यहाँ पे निशान लगा लिए, मैं छोटे उसमें निशान लगा रही हूँ, तो जैसे मेरा तो 17 इंच पे आ रहा है बच्चों के हिसाब से, और 17 इंच पे मैं यहाँ भी निशान लगा देती हूँ ये। तो जितना आप ये लंबाई लें उतना छोड़ते हुए देखिए यहाँ पे ये ऐसे निशान लगा लें, 17 इंच कर 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 ऐसा 17 17 ऐसा पूरा करके, जो आपका 36 37 जो भी आता हो। जैसे आप 38 की लंबाई लेंगे तो 38 में 6 इंच का आप ये छोड़ देंगे बेल्ट, तो आपका ये जो है लंबाई जो है ये 32 इंच की रहेगी। तो 32 इंच प्लस ऐसा निशान लगाते हुए आप पूरा इसको मिला दें इस तरीके से ये। अब मैं बता दूँ कि जैसे ये मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये वाला कपड़ा जो है ये कटिंग करके हम अलग निकाल देंगे, ये यहाँ से इस वाले कपड़े में हम बेल्ट निकालेंगे, म्यानी निकालेंगे और मोहरी का भाग निकालेंगे। ये वाला कपड़ा जो है निकाल के हम एक तरफ रख देते हैं। अब रहा हमारा बेल्ट ये वाला भाग, तो ये वाला भाग देखिए कि जब ये मोहरी निकालते हैं हमारी, ये तो सिर्फ 6 इंच की ही निकालना है आपको, और यहाँ पे देखिए ऐसा कट का निशान लगा देना, थोड़ा सा ही कट का निशान लगाना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाना कि ये हम यहाँ से क्या है कि हमारी जो कलियाँ निकालेंगे, तो कलियाँ में क्या सिलाई तो लगाना है। आपको कटिंग करना हो तो आप कटिंग कर सकती हैं, नहीं करना हो तो आप जुड़ा रहने दीजिए, बस आप जब सिलाई लगाएं तो इधर की पकड़ के और सिलाई लगा दें। अब मैं बता दूं कि हमको कलियाँ निकालना कैसा, इसको बाहर करूँ, ये देखिए अब ये वाला भाग जो हमारा है ये इधर से और ये वाले भाग से, तो आप ध्यान रखें कि जो ये हमारी ये जो लंबाई रहती है, ये हमारा पन्हा वाला भाग रहता है ये वाला, और ये हमारी लंबाई रहती है, तो यहाँ से हमको कितना 2 इंच का निशान लगाना है, इस तरफ से निशान लगाना। देखिए लंबाई वाले भाग से नहीं निकालना, अंदर की तरफ से पन्ना वाले भाग में यहाँ 2 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच पे इस तरफ निशान लगाना है। ये देखिए अब ये निशान से बताऊँ, इसी निशान से और इस निशान से ऐसा आपको उरेप करते हुए ऐसा करके मिला देना है इस तरीके से। बस आप एक एक पॉइंट समझिए और शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि है ना ये बेबी की सलवार है,
और आप जो है बड़े की इसी नाप से इसी मेथड से बना सकती हैं। अब देखिए ये 2 इंच पे से यहाँ से इस तरीके से दोनों ऊपर नीचे कपड़ा लेते हुए कटिंग कर देना है। तो छोटा कपड़ा है फिर भी इस पे टेबल पे बराबर नहीं आ रहा, ये देखिए। अब हमारा जो है ये हमारी कलियां निकल आई हैं और एक कली हमारी इधर निकल आई है। अब ये तो हमारा हो गया मोरी का भाग, ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी कलियां। अब देखिए कलियां निकालने के बाद मैं बताऊं कि जब आप ये क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो हमारा जो 2 इंच है ये मोरी पे जुड़ जाएगा और ये वाला भाग जो है अंदर की तरफ जो ग्रेव वाला भाग है यहाँ से आप क्रोच एरिया निकालेंगे यानी आसन आसन का भाग निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से नाप ले लें कि है हमारा कितना। अब आसन आपको कितना हमारा पूरा रहता है, पूरा तैयार आसन हमारा रहता है 6 इंच, तो हमारा बेल्ट में हो गया प्लस 15 इंच या 16 इंच जितना भी आपको गहराई रखनी हो। यदि आप थोड़ी हेल्दी हैं तो 16-17 इंच का भी आप ये क्रोच एरिया रख सकते हैं आसन का, और आसन का भाग जो है हमारा। और मैं बच्चे का बना रही हूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा ही रखूँगी, यहाँ पर मैं 6 इंच पे निशान लगा देती हूँ ये। तो आपका जैसे आप 15 इंच का रख रही हैं तो आप यहाँ 10 इंच पे निशान लगा 6 इंच को छोड़ते हुए, बाकी आप 11 इंच पे और मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच आप इस तरीके से निशान लगा दें और इसको कटिंग करके निकाल दें, ये देखिए। अब ये हमारा हो गया क्रोच एरिया। अब इसको क्या करें, जब ये वाला भाग जो आपका बनता है इसको इस तरीके से यहाँ पे देखिए इस तरीके से रख देंगे, यहाँ से इस तरीके से मिला दें। अब ये हमारा हो गया, देखिए यहाँ से हम कटिंग कर देंगे तो ये हमारा ये क्रोच एरिया निकल आएगा आसन वाला भाग। अब ध्यान रहे कि जैसे जितना इंच का हमारा ये वाला एरिया है 11 इंच का 10 इंच का 9 इंच का जो भी आप निकाली हैं यहाँ पे जितना भी आप निकाली हैं, देखिए जैसे आपको 15 इंच का यदि आपका ये निकालना है आसन वाला भाग तो आप ये सिर्फ 6 इंच को बेल्ट निकाल देंगे तो ये वाला भाग जो हमारा है 9 इंच का हम यहाँ पे कटिंग निशान करेंगे तो 9 इंच पे, और आप जैसे मार्जिन भी रखते हुए तो 10 इंच पे कटिंग के निशान लगा लें और कटिंग कर लें। अब हमारे ये जो निकल आया है और ये वाला भाग निकल आया ये वाला, तो एक जैसे हो गए। अब देखिए इसमें क्या है हमारा जोड़ने के लिए, सिर्फ ये हो गई हमारी सलवार की कटिंग। इसमें बहुत ही सुंदर घेरा आता है, ये वाला भाग जुड़ा हुआ है इसको हम जोड़ देंगे सिलाई लगा देंगे तो हमारी ये क्या बॉर्डर आती है तो बहुत ही सुंदर ही तोतड़े वगैरह नहीं लटकते। और आप चाहें तो नीचे का भी कटिंग करके निकाल सकती हैं। अब देखिए ये हो गई मोरी, ये हमारा कमर का भाग। अब मैं निकालती हूँ बेल्ट। अब बेल्ट बता दूं कि किस तरीके से आपको बेल्ट निकालना है। तो जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ रहता है इसमें से हम कितना निकालेंगे, 6 इंच का तो हमारी पूरी तैयार लंबाई बेल्ट की हो गई और उसमें से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे क्योंकि जो हम ये पट्टी पलटाते हैं कमर की जो नाड़ी वाली पट्टी रहती है उसको पलटाने के लिए 2 इंच, तो हम कितने इंच का बेल्ट लेंगे, ये 8 इंच का पूरा कपड़ा तैयार हुए 8 इंच का बेल्ट लेंगे। और बाकी आप जैसे ये लंबाई कमर की नापते हैं तो जो भी आपकी लंबाई है, यदि आपकी लंबाई 40 की है या 36 की है, जो भी कमर की पूरी गोलाई ऐसी इस तरीके से गोलाई जो नापेंगे तो जो गोलाई आपकी होगी उसमें से कितना आपको कपड़ा ये बढ़ा के लेना है, 3 इंच बढ़ा के लेना है क्योंकि जो 3 इंच हम बढ़ाएंगे तो हमारा कपड़ा क्या बेल्ट वाला डबल रहता है, तो हमारी जो लूजिंग जो है 6 इंच की आ जाती है। जो हम नाड़ी बांधते हैं तो हमारी फिटिंग सही रहती है, यदि आप बराबर गोलाई सिलेंगे तो टाइट पड़ेगा, इसलिए हम 6 इंच लूजिंग बढ़ा करके लेते हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग कर दें और यहां से भी उतने निशान लगा करके कटिंग कर दें। और यहां से ये जिस तरीके से भी आपको, यदि आपका कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप जोड़ लगा दें क्योंकि बेल्ट में हमेशा जोड़ लगता है, और जब भी आप सिलाई का दिए लगाएं जोड़ तो देखिए बताऊं कि ये इस तरीके से जोड़ लगाने के बाद में इस तरीके से जोड़ता है कपड़ा इस तरीके से ये। अब मैं बताऊं कि ये हमारा जो बेल्ट का वाला भाग है ये हुआ यहाँ और यहाँ पे हम ये सलवार। अब मैं बताऊं कि जोड़ के आपको सिलाई लगानी किस तरीके से, सबसे पहले तो आप बेल्ट के भाग जोड़ लें और यहाँ पे थोड़ा सा ये सिलाई लगा करके जब पलटाएंगे तो 1/2 इंच की गैप छोड़ेंगे और फिर पट्टी पलटाएंगे तो गैप छोड़ेंगे, यहाँ पे सिलाई करते यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, फिर पलटाएंगे तो ये हमारा जो एरिया नाड़ी डालने के लिए
छूट जाता है गैप। अब सल भरें किस तरीके से, सल भरने का तरीका मैं बता दूं कि जो ऐसा हमारा ये सलवार है, ये अब ये हमारी तो कलियां हो गई हैं, इस तरीके से बिछाऊं बराबर दिखता भी नहीं, घेर बहुत रहता है इसमें, ये देखिए जैसे ये कली हो गई और ये इस तरीके से रखेंगे आप, ये तो हमारी ये कली एक इधर से जोड़ेंगे और एक ये जोड़ेंगे। अब इसमें मैं बताऊं कि सल भरना किस तरीके से है आपको, तो सल भरने के लिए आप सबसे पहले ये जो हमारा ये वाला भाग रहेगा यहाँ पे सब म्यानी जोड़ लेंगे, पूरा बराबर दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें ये वाली कली जो है इस तरीके से आ जाएगी, तो लंबाई सलवार की हो जाएगी। किस तरीके से बताऊँ मैं आपको, ये अब ये जो सलवार का भाग है जो यहाँ से बिछा देते हैं तो बराबर दिखेगा आपको इस तरीके से, ये वाला भाग जो है ये हमारी कलियाँ जुड़ गई और ये हमारा बेल्ट का भाग है। तो जो बेल्ट का जो हमारा बीच का भाग आता है, तो जो ये इधर से हम क्या करेंगे अंदर की तरफ देखिए इस तरीके सल भरेंगे, एक इंच की सल यहाँ से भर देंगे और एक सल इधर वाली भर देंगे, दो ही तरफ से पट्टी से भर देंगे, तो जो हमारे पीछे की जो रहती है म्यानी वाला भाग वो उसमें जुड़ जाएगा और सल यहाँ से भरेंगे। जैसे हमारा ये पूरा बेल्ट का भाग है तो इस कोने पे निशान लगा लें या कटिंग लगा लें, तो पीछे की तरफ जो है यहाँ पूरी प्लेन सिलाई रखनी है आपको, सामने से यहाँ तक का ये जो हमारा ये इधर से सामने जो हमारी सिलाई रहेगी, तो इतनी जगह में यहाँ सल भरना है और इतनी जगह में यहाँ सल भरना, बस ध्यान रहे कि जो हमारा ये बीच का भाग है जितना भी हमारा ये कपड़ा रहता है पूरा इसी जगह पे भरना है, बस एक एक इंच का लेकर के। और सल भरने के लिए बताऊँ कि इस तरीके से सल भरना है, जैसे एक ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ भरना, जब दूसरे वाले भाग में आएंगे दूसरे वाले सल को तो उसको इस तरफ भरना है, एक इधर की पलटी लेकर के भरना है और एक इधर की पलटी लेकर के भरना है। और जो म्यानी वाला भाग रहता है तो म्यानी की कटिंग किस तरीके से करते हैं, हमारा ये कपड़ा है, इस कपड़े को आप इस तरीके से चाल फूल कर लें ये वाला भाग। अब जो ये वाला क्रोच एरिया है इसको आप इस तरीके से नाप लें कि आप 9 इंच का ली हैं या 10 इंच का, ये वाला भाग इसको नाप करके बस इसी के हिसाब से हमको म्यानी का कपड़ा निकालना है। तो मैं बताऊं जैसे मेरा तो ये क्रोच एरिया 6 का रखी हूँ बेबी का है, आप 9 इंच का है तो 9 इंच का निकाल लें। आइए कपड़े में देखिए 9 इंच का कटिंग कर लें, ये अब इसको म्यानी इस तरीके से निकालना, जैसे ये एक फोल्ड हुआ ये, और इसको हम फोर्थ फोल्ड कर देंगे, ये चार फोल्ड से म्यानी निकलती है, बहुत ही सरल आसान तरीका। अब इसमें क्या करेंगे आप कि देखिए इस कोने से लेकर के इस कोने में ऐसा उरेप करके निशान लगा दें, ये अब बस ध्यान रहिए देखिए ये उरेप निशान लग गया। अब इसको ये उरेप से यहाँ से कटिंग करते हुए इस तरीके से कटिंग कर दें, ये इसको अलग निकाल दें, और जो बीच का भाग है बंद वाला ये हमारा हो गया म्यानी का भाग, इसको यहाँ कर दो। छोटे कपड़े में बताओ फिर भी बराबर वीडियो में नहीं आता, इस तरीके से यहाँ पे म्यानी जोड़ दें, एक भाग उधर म्यानी जोड़ें और एक भाग इधर जोड़ें, बस सल भरने का तरीका। बाकी जो हमारा कपड़ा बचता है ये वाला जो कपड़ा है, तो ध्यान रहे कि इसमें आप कैनवास लगा करके जो इस तरीके से रखें बीच में कैनवास लगाएं, यहाँ से भी सिलाई कर दें और यहाँ से भी सिलाई कर दें, और फिर बाद में ये सिलाई करने के बाद में जो हमारी ये जो मोहरी की पट्टी है इस तरीके से चौड़ा करके और यहाँ पे मोहरी लगा करके सिलाई लगाएं, और फिर ये मोहरी अंदर की तरफ सिलाई लगा करके मोहरी अंदर की तरफ इस तरीके से ओढ़ दें। और यदि आप क्या यदि साल उसमें है सूट के कपड़े में लेस लगी हुई है, बॉर्डर है जो भी है, जैसे मान लो आपका लेस है तो ये लेस को आप मोहरी में भी लगा सकती हैं, जैसे कभी किसी वाले सलवार में लेस भी लगानी पड़ जाती है तो इस तरीके से आप मोहरी में लेस लगा दें, बीच में लगा दें या जोड़ करके लगा दें। बस ध्यान रहे कि यहाँ मोहरी का कपड़ा जो लगता है उसी को ना ओटें, अलग से मोहरी का कपड़ा जोड़ें कैनवास लगा करके, तो ऐसी सलवार की कटिंग। अच्छी यहाँ बता दूँ आप यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूँगी। और जी हाँ बताऊँ शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।